ऐसे इंसान को गोली मार दे, कोई भी जात का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, गोली मार दे भाई, खड़े खड़े गोली मार दे। ये एक बेटी के साथ अगर बलात्कार हो रहा, पूरी समाज के साथ हो रहा, इसके लिए आप कानून क्यों नहीं बना रहे हो? आपने तो धराधर बहुत सारे कानून बनाते हो, मगर बेटी के लिए आपका 56 इंच की सीना जो है कम पड़ जाते। कानून को किताबों से निकाल के धरातल पे लाना पड़ेगा, मतलब आपको एक मिसाल पेश करनी पड़ेगी कि सामने वाला सोचे कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूँगा तो मेरी क्या दुर्गति होगी। जैसा आप अगर देखें अरब कंट्रीज में, तो वहाँ पर चोरी पर ही हाथ काटने की सज़ा का प्रावधान अब तक चल रहा था, तो क्या हम यहाँ फांसी की सज़ा रेपिस्ट को नहीं दे सकते क्या? कौन सी चीज़ है जो न्यायालय को रोकती है या न्यायपालिका को रोकती है या हमारी जो संसद है उसको रोकती है? अभी तो हालत ही है कि वो वहाँ पर गिरफ्तार करके केवल इंक्वायरी कर रहे हैं। अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए था, फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामला चलना चाहिए था। तो ये चीज़ों की सर ज़रूरत है, क्योंकि मैं बेसिकली खुद प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और इस चीज़ से बड़ी पीड़ा हुई कि जो लोग सेवा कर रहे हैं कोविड के टाइम, जिन्होंने अपनी जान दाव पे लगा दी, ये फैक्ट है सर। कमाई एक अलग चीज़ होती होगी, पर उस समय शायद ही एक कम्युनिटी जो बाहर निकल के लोगों के सामने मरीजों के संपर्क में जा रहे थे वो हम थे। तो अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो फिर सर कौन इस वाइट कोट को पहनना पसंद करेगा? एक बात होती है कि सुनसान इलाके में, स्कूलों में हो रहा है, अस्पतालों में हो रहा है, जहाँ पर आवागमन रहता है लोगों का, तो सुनसान इलाकों में तो कुछ और बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या है, देखिए सिक्योरिटी आप हर जगह नहीं लगा सकते, पर जब आपको पता हो कि किसी दुष्कर्म की पेनल्टी इतनी भयंकर होगी कि उससे ही आदमी कांप जाए, डर पैदा हो जाए, तो अपने आप सर ये केसेज कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी भी अपराध के लिए जब संगीन सज़ा होती है ना, तो वो अपराध इतना नहीं होता है सर। पर बलात्कार को क्या है, इस तरीके से लाइट वे में ले रहे हैं कि ठीक है, केंद्र सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी की जिम्मेदारी, ममता बनर्जी कह रही है कि सेंटर की जिम्मेदारी, तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि ये तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, क्योंकि बलात्कार तो जिसका हुआ है ना, वो उसकी जान गई, बलात्कार हुआ तो वो उस पर जो बीती उसके परिवार वालों पर, वो कोई बयान नहीं कर सकता सर। कानून व्यवस्था का क्या कर रहे साहब? बेटियों को तो आप सुरक्षा दे नहीं रहो, बड़े बड़े बातें कर रहे हो, बड़े बड़े रेपिस्टों को तो आप छोड़ रहे हो, जमानत दे रहे हो। आसाराम बाबू कौन है? वो रेपिस्ट तो है, कितने बच्चों को बलात्कार करा, उसको जमानत दे दिया आपने। राम रहीम कौन है? उनको आपने जमानत दे दिया, ठीक है। और जो रेपिस्ट जमानत से आ रहा है उनको इतना स्वागत कर रहा है, फूल के माला पहना रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, तो जो है ना इसी चीज़ के लिए रेपिस्टों का जो ना बल बढ़ रहा है, जो इतने बड़े बड़े कान करके वो बच रहा है, हम क्यों नहीं बचेंगे बताइए ना। बार बार जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप तो खुद राजनीति करते हो उससे, बेटियों से भी आप तो खुद गंदा राजनीति कर रहे हो, बेटी से भी। इसमें बेटी को सुरक्षा तो दे ही नहीं रहे हो और खुद उल्टा राजनीति कर रहे हो, जगह जगह में रेप हो रहा। आप देखिए ना, ये दिल्ली में हो गया 3-4 दिन पहले, एक बच्ची के साथ 2 साल उम्र में उसको घर में ले आया था, 9 साल का उम्र हो गया, उस बच्ची का साथ बलात्कार, वो गरीब है, उसको इंसाफ नहीं दे गए। अब बार बार आप एक चीज़ को बार बार न्यूज़ में, हर न्यूज़ खोलो कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, भाई एक मुद्दा नहीं है, वो एक बेटी नहीं है, सारे दुनिया हमारे हिंदुस्तान में जहाँ भी बलात्कार हो सबके बेटी है। एक बेटी के साथ अगर बलात्कार हो रहा, पूरी समाज के साथ हो रहा, इसके लिए आप कानून क्यों नहीं बना रहे हो? आपने तो धराधर बहुत सारे कानून बनाते हो, मगर बेटी के लिए आपका 56 इंच की सीना जो है कम पड़ जाते बेटी के लिए। अब हमारे देश में इतनी समस्या चल रहा है रेप के, कितना हंगामा चल रहा, फिर मोदी जी बार बार बाहर घूमने जा रहे हो क्यों? आगे हमारा अपना घर देखना है, बाहर आप बेशक जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप हम फॉरेन पॉलिसी वो तो वो भी तो करना है ना, हम भी बोल तो रहे जाना चाहिए आपको, हमारे देश के भी तो देखो पहले कितना हंगामा हो रहा, कितने अबे भाई कितने मरीज मर रहा है हॉस्पिटलों में। आज एक बात सुनिए, आज हड़ताल को ख़त्म कर दी, आज ख़त्म कर दिया हड़ताल को, कल देखिए क्या कर दिया, सुबह कलकत्ता में पूरी हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ दी, क्यों हो रहा है इसे? तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर जो घटना घटी उस पर उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनिए, अरे गोली माई पे मार दे एकदम, ऐसे इंसान को गोली मार दे, कोई भी जात का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, गोली मार दे भाई, खड़े खड़े गोली मार दे। ये क्या क्या ड्रामा हुआ भाई, ये साला कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, किस किस के बलात्कार हो रहे हैं? क्या कभी है ना कि किसी गवर्नमेंट ने है ना ऑब्जेक्शन उठाया? जब है ना जाले डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है? फिर
दिक्कत कहाँ आ रही है, सजा क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे बात ये तो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का हाथ में है ना, गवर्नमेंट कर रही है। ये अमित शाह है, ये मोदी है, ये क्या कर रहा है बैठ के, ये क्या कर क्या रहा है ये है? साले ये इन्हीं के लोग है ना, बलात्कारी हैं, सारे बलात्कारी इन्हीं लोगों के हैं, बताओ कौन सा नहीं है? फिर है ना ये बात कर रहे हो यार, साले सारे सारे के सारे है ना कहीं से, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। वही तो, अब ये क्या अभी है ना दो बच्चियों का रेप किया, वो दो वहाँ किसका है? भारतीय जनता पार्टी वालों का ही है ना, तो वो उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है? वो रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं माँ बाप, उनके है ना रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, क्यों नहीं लिखी जा रही है? जब हंगामा हुआ तो है ना कह रहे आरोपी को पकड़ लें, अबे वहीं पे गोली मार दो सालों को, कोई भी हो कंट्री में जैसा सजा होता है ना, है स्पोर्ट। आप तो कानून लाइए, अगर बात सुनिए और ऐसा कानून लाइए आप, लड़की के लिए कोई विरोध नहीं करेगा, लाने में क्या दिक्कत है? अगर धरा धर आप दो चार कानून ऐसा बना दीजिए ना बेटियों के लिए, रेप नहीं होगा। एक बात सुनिए, अभी राजस्थान के अंदर 100 बच्ची के साथ बलात्कार करा, उनको क्या सजा मिला? उम्र कैद। ये सजा हुआ? ये तो जिंदगी को जैसा बाहर जिंदगी गुजर रहा है वो दो साल बाद, अब उसमें क्या करेगा? तू अपने ना यहाँ देखना, मैं इसराइल के लिए हथियार भेज रहा यहाँ से, ये तुम्हारा मणिपुर में है ना देखा नहीं जा रहा है, तू है ना विदेशों में जाके बैठ के आ रहा है, तो तू है ना मणिपुर का देखना यहाँ पे कितना कत्लेआम ही हुआ है, वहाँ से है ना कुकियों को बुला के ला रहा है। मणिपुर का तो मामला अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे आसाराम बाबा को जेल में भेज दिया, तो लोगों को उन्हें भेजा जेल में,